तो आज हम बात करेंगे कोड नंबर 5 फूड ग्रेड प्लास्टिक के बारे में। आपके घर में प्लास्टिक के बर्तन तो काफ़ी सारे होंगे, हर तरह के बर्तन होते हैं प्लास्टिक के, आपके डब्बे वगैरह, बाल्टी वगैरह, और अपने जैसे रसोई में यूज़ करने के लिए बर्तन होते हैं प्लास्टिक के, वो भी हैं, और इसके अलावा कुर्सी, मेज, काफ़ी कुछ होता है। सभी प्लास्टिक के अलग अलग कोड होते हैं, तो ये कोड जो है 1 नंबर से स्टार्ट होता है और 7 नंबर तक जो है इसकी डिटेल है मेरे पास। तो और ये हर प्लास्टिक के जितने भी बर्तन होते हैं उन सब के नीचे आगे पीछे कहीं ना कहीं ये निशान आपको ज़रूर मिलेगा। कोड होते किस लिए हैं मैं इस बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। प्लास्टिक आपने देखी होंगी, प्लास्टिक हर तरह की होती है। एक बहुत सॉफ्ट प्लास्टिक होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, जिसमें पानी भरा होता है, बोतल होती हैं। इसके बाद थोड़ी सी हार्ड प्लास्टिक होती है, कुछ और एक्स्ट्रा हार्ड होती हैं, कुछ ऐसी इतनी हार्ड होती है कि वो टूटती नहीं है। तो हर तरह की प्लास्टिक होती है। तो इन सभी प्लास्टिक्स में से एक प्लास्टिक जो होती है वो स्पेशल फूड ग्रेड होती है, और वो प्लास्टिक स्पेशल फूड के लिए बनाई जाती है। तो उस प्लास्टिक को 5 नंबर कोड दिया गया है। ये निशान आपको हर शेकर के बैक साइड में नीचे ज़रूर मिलेगा, तो इस निशान पर ज़रूर ध्यान दें। सप्लीमेंट खरीदने के साथ साथ अगर आप शेकर भी ले रहे हो तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। सप्लीमेंट ले रहे हो ये भी फूड में आता है, तो हर तरह का सप्लीमेंट आप इसमें यूज़ करोगे। तो ये प्लास्टिक जो होती है कितनी नुकसानदायक होती है, कैसी होती है, तो 1 नंबर से लेकर के 7 नंबर के कोड की एक वीडियो है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ जा कर के इन कोड्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।